हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे। मैं हूं आकाश और आप मुझे देख रहे हैं भारद्वाज व्यूज में, ओनली नॉलेज, फैक्ट्स एंड न्यूज। तो गाइज, किसी भी इंसान को अगर किसी पुलिस इमरजेंसी की जरूरत है, उसे पुलिस की सहायता की जरूरत है, तो ऐसे में वो 100 डायल यानी 100 नंबर डायल करके पुलिस को सूचना दे सकता है और उसे अपने पास बुला भी सकता है। लेकिन अब ये 100 नंबर पुलिस को बुलाने का तरीका पुराना होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी सरकार एक नया नंबर लॉन्च करने जा रही है ताकि आप पुलिस इमरजेंसी पर उस नंबर को डायल करके उनसे कांटेक्ट कर सकें। तो देश के कुछ हिस्सों में ये 100 नंबर बदल चुका है, इसकी जगह नया नंबर आ चुका है, और बाकी बचे जहां ये रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ है, वहां बहुत जल्दी ये 100 नंबर अब पुराना हो जाएगा, इसकी जगह नया नंबर सरकार ने लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आप जान लीजिए कि वो कौन सा नंबर है जहां पर आपको पहले 100 नंबर डायल करके जहां पुलिस को बुलाना पड़ता था जरूरत के वक्त, तो ऐसे में अब कौन सा नंबर होगा जिसे डायल करके आप पुलिस को बुला सकेंगे। और साथ में आप ये भी जान लीजिए कि आखिर इसमें बदलाव की जरूरत पड़ी क्यों। तो एंड तक इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप बिल्कुल अपडेट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स और न्यूज वीडियोज आना यहाँ आम बात है। तो दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 20 सितंबर को देश की पहली एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली यानी शॉर्ट फॉर्म में जिसे ERSS कहते हैं को लॉन्च किया था। सबसे पहले ये इमरजेंसी नंबर चंडीगढ़ में लॉन्च किए गए थे, और जिसके अंदर एम्बुलेंस, फायर और पुलिस के अलग अलग नाम और नंबर याद रखने के बजाय आप उसे एक ही नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि अब सिर्फ एक नंबर यानी 112 112, इसको अगर आप डायल करते हैं तो अब आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं अपनी किसी भी इमरजेंसी के लिए। एम्बुलेंस के लिए भी आप इसी नंबर पर डायल कर सकते हैं। तो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS के तहत 112 कॉमन नंबर बन चुका है। तो यहाँ पर आपको जहां पर पहले पुलिस के लिए 100 नंबर डायल करना पड़ता था, दमकल के लिए 101 और स्वास्थ्य के लिए यानी मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको 108 नंबर डायल करना पड़ता था, वहां पर अब तीनों को एक ही नंबर मर्ज कर दिया गया है और उसे कर दिया गया है अब 112। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ में ये पहली हो चुका है, दिल्ली में भी ये बदल चुका है। दिल्ली में भी अब 100 नंबर की जगह 112 नंबर यूज होता है, और बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में भी ये नंबर बदल जाने वाला है। तो 26 अक्टूबर को 100 की जगह 112 डायल नंबर इस्तेमाल होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और धीरे धीरे करके ये पूरे देश के अंदर एक ही नंबर हो जाएगा यानी 100 की जगह अब 112 नंबर हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए आप कि 112 जो इमरजेंसी नंबर है, ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर 112 नंबर ही इमरजेंसी नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा अपडेट आपको अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो शेयर करिएगा ताकि जो लोग नहीं जानते इस नए अपडेट के बारे में वो भी अपडेट हो सके, क्योंकि ये एक इमरजेंसी नंबर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मुलाकात करता हूँ आपसे नए सब्जेक्ट, नए कंटेंट, नए वीडियो पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।